क्या नाम है आपका? दानी। दानी नाम है। तो ये खाना क्यों बना रहे हो? मम्मी मेरे संग नहीं रहती। मम्मी तुम्हारे संग नहीं रहती? और पिताजी? पिताजी एक्सपायर हो गए। कब हो गए एक्सपायर? जब मैं छोटा था, बचपन में। हाँ। बेटा काम क्या करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कभी मजदूरी कर लेता है? हाँ, कभी घर पर रहता। ऐसे पेट पालते हो? हाँ। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ, दानी नाम का लड़का है जिसकी मम्मी छोड़ के चले गई है, और पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और मजदूरी करके खाता है और ऐसे कमाता है। देख सकते हैं कोई तवा भी नहीं है, प्लेट पे खाना बना रहा है, अपने लिए रोटी बनाई है ये, और आज इसकी हालत दिखाऊंगा मैं। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के मजा आएगा। बेटा आप सोते कहाँ हो, दिखाना थोड़ा सा। इधर से आओ। इधर से हूँ। यहाँ ये बच्चा सोता है, देख सकते हैं दोस्तों, इतनी ठंड में, ऊपर खाली है और इतनी ठंड में, और जानकारी लेंगे कि बच्चा यहाँ सोता क्यों है। ये खाट है इसकी, दिखाना टॉर्च दिखाओ, थोड़ा सा रात हो रही है दोस्तों। और ये यहाँ सोते बेटा तुम? ठंड हाँ। लगती होगी ना बहुत? हाँ, थोड़ी ठंड लगती है मुझको। अच्छा, तो यहाँ क्यों सोते हो तुम? अंदर गिर सकता है घर, कभी भी खंडर हुआ पड़ा है। खंडर हुआ पड़ा है? हाँ। दोस्तों मैं इसका घर भी दिखाऊंगा तुम्हें। ओहो, और ये आपके पिताजी हैं? हाँ। ये सामने देख सकते हैं, बच्चे ने दीपक भी चला रखा है सामने, पिताजी के सामने, और इनकी जो मम्मी है वो छोड़ के चली गई है, देख सकते हैं सामने पिताजी है ना आपके। हाँ। और आपका घर देखने चले थोड़ा सा, देख सकते दोस्तों यहाँ से होता है बच्चा। आज हम इनके घर बनवाने का संकल्प लेंगे और इसका घर बनवाएंगे। मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो के साथ छोड़ के मत जाएगा, मैं इनका पूरा घर दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहेगा दोस्तों। दोस्तों इसका घर दिखा देता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, आ जाइए। इसका मकान देख कर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि इतना बुरा हालत है, देख सकते हैं। ये रास्ता है इसका जाने का, यहाँ से पीछे से आया हूँ क्योंकि आगे से गिरा पड़ा है पूरा। आ जाइए थोड़ा सा, आ जाइए आप भी। ढाकर भी खड़ी है इसके मकान में, कोई नहीं है इस बच्चे का, कोई भी। इसका कमरा दिखाऊंगा आपको जो कि अब गिरने की हालत में हो चुका है। इस बच्चा डर के मारे बाहर सोता था सर्दी में, और भारी खाना बनाता, कोई भी नहीं है इस बेचारे बच्चे का। इसकी मैं आपको बता दूं, पहले भी वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, पर लोगों ने बोला था एक जरूरत के लिए, पर इसकी कुछ भी हेल्प नहीं हो पाई, लोगों ने सांत्वना दी। इसका देखो मकान है ना बेटा, मकान तो नहीं, ये आपका ही ना, ये देखो ये। दोस्तों मुझे कैमरा दीजिए, थोड़ा मुझे कैमरा दीजिए, मैं दिखाऊंगा पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी जो गाटर है वो निकली पड़ी है, भूली, कभी भी गिर सकता है, इसलिए बच्चा बाहर से होता है डर के मारे। बेटा डर लगता होगा बाहर सोने में? हाँ। आप क्या चाहते हो भैया? मैं थोड़ी सी हेल्प मांगता हूँ, मेरा एक कमरा बनवा दो। अच्छा, एक आप चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारा पूरा कमरा बनवाएंगे, लेटरिन बाथरूम भी तुम्हारी बनवाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस बच्ची खातिर, क्योंकि इस बच्ची की हेल्प हो सके, क्योंकि इसके पिताजी बचपन में छोड़ के चले गए थे और इसकी मम्मी भी, इन्हें भी इसका साथ छोड़ दिया है, अब ये अकेला रहता है इसमें, देख सकते हैं। ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा तुमको, ये पूरा टूटा पड़ा है इसका पूरा, ये देखिए। ये बाहर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये बच्चे भी आ गए हैं, ये बाहर से है, ये देखिए एक 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 कमरा इसका ये है, पूरा टूटा पड़ा है ये कमरा, ये देख सकते पूरा पूरा टूटा पड़ा है। दोस्तों आपसे एक बार और निवेदन करूंगा, दानी एक बार और बोल दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, हाथ जोड़ के बोल दो कि इस वीडियो को शेयर, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, इसकी खातिर इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज हमने संकल्प लिया है इसका पूरा मकान हम बनवाएंगे। जय श्री कृष्णा। दानी बेटा, मैं राम राम, और ठीक है? हाँ। बैठा हो जा, बैठा बैठ गए, सो रहा, सो गया। हाँ, जल्दी नींद आ गई यार। खाना खा लिया? हाँ। अच्छा दोस्तों, आज हम इनके पास आए हैं और एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ के इसके बर्तन पड़े हैं खाने पीने के, देख सकते हैं, और ये आग जला के सो रहा है क्योंकि ठंडी ना लगे, रात में 9 बज रहे हैं इस टाइम। और दोस्तों आपको कल देखने को मिलेगा, इसमें मिस्त्री लगे पाएंगे और इसका मकान बन रहा होगा, और इसकी झोपड़ी दिखा देता हूँ। बेटा अब आपका कल से काम चालू हो जाएगा, आज आ जाओ आप यहाँ सो लो, कल से तुम सोने की व्यवस्था और कहीं करेंगे आपकी, ठीक है ना भैया? नहीं नहीं बेटा, ये तो मैं आपको भाई हूँ बड़ा, ठीक है ना, ये बोल रहा है ऐसा नहीं बोलूंगा। दोस्तों
कल आपको देखने को मिलेगा कि इसमें मिस्त्री लग रहे होंगे और इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। दोस्तों आज से काम स्टार्ट हो गया है दानी पंडित के मकान का, देख सकते हैं दानी भी बैठा हुआ है। इससे भी अब आपकी बात कराऊंगा, देख सकते हैं कितने आस भरी देख नजरों से मकान को देख रहा है अपने को। और मैं आपको बता दूं इस मकान को बनवाने में हमारा पूरा सहयोग किया है नानजी भाई बाबू देव डिस्ट्रिक्ट से हैं, और ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक देख सकते हैं उस दिन रात में आपको मैं दिखा नहीं पाया था, ये पूरा मकान मिस्त्री लगे हुए हैं। इनसे भी आपकी बात कराऊंगा, पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश है। ये खंडर है, इसमें ये सोता था, मैं आपको बताऊं सो नहीं पाता था, ये बाहर सोता था, वो भी जगह दिखा देता हूं आपको। ये दोस्तों यहां सोता था खुले आसमान में, रात हो रही थी उस दिन मैं दिखा नहीं पाया था, ये जगह है जहां सोता था, ये देख ये यहां पर सोता था ये। और दानी आओ, दानी से आपकी बात कर रहा हूं थोड़ा सा। ये दानी सामने खड़ा है, दानी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कुछ बोलोगे बताओ? भैया मैं आपका एहसान ऐसा कभी नहीं भूलूंगा, आपने पहले भी ऐसा एहसान किया था, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरे घर को बनवा रहे हो। अच्छा मैं आपका एहसान कैसे? अब तुमको पढ़ना लिखना, अभी आप ट्यूशन जाते हो ना? हाँ तुमने कही है, अब से ट्यूशन जाने लगते हैं। दोस्तों इसका ट्यूशन भी लगा दिया है और अच्छे से हम इसको पढ़ाएंगे भी। और ये मकान है, ये बच्चा की खुशी, एक बार स्माइल करके दिखा दो, हंस के दिखा दो, देख सकते हैं कितनी खुशी आ गई है इनके चेहरे पर। ये मिस्त्री भी लग रहे हैं हमारे भैया। भैया जी कुछ बोलोगे? हाँ जी सर, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, जो अनाथ बच्चे को आपने मकान बनवा रहे हो, उसका आप शादी भी कर रहे हो गरीब कन्याओं की जी। आप बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपके सभी बहुत बहुत आभारी हैं। पूरा भैया सहयोग करें कि तनो नंसे में इस मकान को बनाऊंगा, देख सकते हैं ये सामान पड़ा हुआ है इनका, ये देख सकते हैं इनका, ये भैया का सामान पड़ा है। और एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा अंदर जाके, ये पूरा मकान बनेगा इसका दोस्तों, लेटरिन बाथरूम किचन भी बनेगी। ये फूट चुका है इसका और काम चालू है। और मैं नानजी भाई देव डिस्ट्रिक्ट से हैं बाबू, उनका बहुत बहुत आभार करता हूं जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं, उनका एहसान ये बालक कभी नहीं भूलेगा पूरा, देख सकते हैं। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जाए, देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इसकी जमीन है पूरी ढाकर खड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं घर के कारण कुछ है ही नहीं, सारे अनाथ माँ ने साथ छोड़ दिया, पिताजी बचपन में ही चले गए थे। और ये बच्चा है, आज से मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और नानजी भाई का बहुत बहुत आभार करता हूँ जो देव डिस्ट्रिक्ट से है, जिन्होंने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाया है इस मकान, इस बच्चे के मकान बनवाने में। और ये देख सकते हैं पूरा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा इस बच्चे की खातिर इस वीडियो को शेयर करिएगा, मैं चाहता हूँ समाज में एक अच्छा संदेश जाए और आसपास मैं भी ऐसी कार्य करता रहूंगा, ऐसा कार्य मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस बच्चे की खातिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि दोस्तों एक समाज में अच्छा संदेश जाए। जय श्री कृष्णा सभी।